अस्सलाम वालेकुम, क्या चले जी। अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि जी लोग पता नहीं एयर होस्टेस को क्या समझते हैं, और जबकि एयर होस्टेस इज ओनली एरोप्लेन की वेट्रेस। ओके, पहली बात, आप जाके एयर होस्टेस की टर्म को गूगल करें और गेट टू नो व्हाट इज एयर होस्टेस और व्हाट इज केबिन क्रू, एक्चुअली व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, सेकेंड, आप लोगों को ये लगता है कि बस हम लोग वहां पे ट्रेस देते हैं, ठीक है, और हमने सिर्फ लोगों को ट्रेस देनी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग ऑफिशियली ट्रेंड हैं इमरजेंसी में आप जैसे लोगों को जहाज से बाहर कैसे निकालना है। और तीसरी बात, केबिन क्रू इतनी आसानी से नहीं बना जाता, उसकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, आपने पेपर पास करने होते हैं, फिर जाके आप फ्लाई करते हैं। और चौथी बात, जिनको ये लगता है ना कि हम सिर्फ ट्रेस देते हैं वहां पर जाके और सिर्फ हम चिल आउट करते हैं, ऐसा नहीं है। जहाज की बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है क्या क्या है। और पांचवी बात, आपको हमारे लाइफस्टाइल को देख के इतना ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जॉब की प्रिविलेजेस हैं, हम नौकरी करके जाते हैं, हमें वो हमारी जॉब ने दिया हुआ है। छठी बात, तो जी हाँ, आप जैसे लोगों के लिए हम एयरप्लेन की वेटर्स हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। और सातवीं बात, आपको सिर्फ एयरप्लेन का पता है कि जहाज में उड़ता है और उसमें केबिन क्रू या वेटर्स जिसको आप कहते हैं वो होता है, अंदर क्या क्या होते हैं इसका आपको अंदाजा ही नहीं है। सफर करें, आपको पता चले, और अगर आपको सफर करना पड़े तो जरूर मिले केबिन क्रू से, उनसे पूछें कि वो किस मकसद के लिए जहाज पे आते हैं। टेक केयर।